हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होता है। कल की वीडियो में हमने देखा था इम्यूटेबल स्ट्रिंग जो नो चेंजेबल होती है, जबकि म्यूटेबल स्ट्रिंग चेंजेबल होती है। तो आज हम म्यूटेबल स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट हम देखेंगे फाइनल वर्सेस म्यूटेबिलिटी, फाइनल कीवर्ड कैसे यूज किया जाता है, और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल प्रोग्राम वगैरह सब देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ म्यूटेबल स्ट्रिंग इन जावा, क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। वंस इफ वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑन द स्ट्रिंग इफ वी ट्राई टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन एंड इफ दोज चेंजेस गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम ऑब्जेक्ट देन सच स्ट्रिंग आर कॉल्ड म्यूटेबल स्ट्रिंग। मतलब है आप कोई स्ट्रिंग बनाया, यदि उस स्ट्रिंग में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं, वह स्ट्रिंग सेम ऑब्जेक्ट में सेव हो रही है तो उसे कहा जाता है म्यूटेबल स्ट्रिंग। ठीक है, म्यूटेबल स्ट्रिंग में हम बनाते हैं दो चीज़ों से, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके हम स्ट्रिंग को बनाते हैं, म्यूटेबल स्ट्रिंग को। चलिए आगे इसका हम प्रोग्राम देखते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का, और ये स्ट्रिंग म्यूटेबल कैसे होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने प्रोग्राम को यहाँ पर लिख लिया है जिसमें हम इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग को फाइल को इंक्लूड कर लिए हैं। फिर हमने क्लास बनाया है म्यूटेबल स्ट्रिंग का, जिसमें हमारा मेन फंक्शन बना है उसके अंदर हमें स्ट्रिंग बफर यूज़ किए हैं और एक रेफरेंस यस1 लिए हैं और ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड लगाकर बनाए हैं स्ट्रिंग बफर। इसमें हम स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं अवध, हमने एक स्ट्रिंग बना दिया स्ट्रिंग बफर करके अवध जो s1 में स्टोर है, उस s1 में हम म्यूटेबल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए अपेंड मेथड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर s1 डॉट अपेंड, हम एक स्पेस पहले ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने टेक्निकल ऐड किया, उसके बाद हम s1 को प्रिंट करा दिए हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, तो हमारा आउटपुट भी सही आया है अवध टेक्निकल। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं स्ट्रिंग को म्यूटेबल स्ट्रिंग में, और म्यूटेबल स्ट्रिंग को इस तरह से डिक्लेयर डिफाइन करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए सेम काम किया, यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है s1 रेफरेंस और ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड लगाकर हमने बनाया स्ट्रिंग बफर, अवध यहाँ पर हमने इंटर कर दिया, एक s1 स्ट्रिंग जिसमें हमने अवध इंटर कर दिया। फिर उसी s1 स्ट्रिंग में हमने कोर्स को ऐड करने की कोशिश की है, मतलब इसके जगह हम s1 में कोर्स को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसको s1 को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ये सेकेंड वाला आ रहा है कोर्स, यहाँ पर देखिए कोर्स रिजल्ट है, यानी ये हमारी म्यूटेबल स्ट्रिंग है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग में चेंज करते तो नहीं होता है, होता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता है, दूसरा एक तरह से कहते हैं वेरिएबल बना लेता है, तो इसलिए म्यूटेबल स्ट्रिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी फाइनल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी, फाइनल कैसे यूज़ किया जाता है और म्यूटेबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। फाइनल एक कीवर्ड है जिसके बारे में हम प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रोग्राम को देखते हैं और समझते हैं। हमने सिंपल एक प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लिया है और देखिए हमने सेम चीज़ें की हुई है जो प्रीवियस हमने देखा था, जो हमारा कोर्स प्रिंट हो रहा था। ठीक है, जिसमें हम s1 नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें हम कोर्स को स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर हो जाता जिससे हमारा म्यूटेबल स्ट्रिंग है, तो हमारा कोर्स जो है प्रिंट होता था। लेकिन जब हम इस मेन स्ट्रिंग के आगे हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं, तो फाइनल कीवर्ड लगाने से मतलब ये चीज़ फाइनल हो गई है कि इस ऑब्जेक्ट में ये अवध नाम का स्ट्रिंग जो है स्टोर होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे आउटपुट में हमको एरर देगा, तो होता है फाइनल। यदि आप जैसे कि यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है कि आप s1 रेफरेंस में ही फिर स्टोर करें, यदि आप दूसरा s2 बनाकर स्टोर करते तो उसमें स्टोर हो जाता, यहाँ पर रेफरेंस में चेंजेबल नहीं करना होता है,